नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? आज मैं बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इसको आजमाइश के लिए मत करना, क्योंकि आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, सामने देखने को ना मिले। तो चलिए सबसे पहले अपने अपने माता पिता की जय बोलते हैं, अपने अपने गुरु की जय बोलते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की जय बोलते हैं जिन्होंने हमको एक अच्छा परिवार, एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा देश दिया। प्यारे दर्शकों, आज हम बताएंगे कि आपको अपने घर में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में अगर ये शक्ति है तो मुझे लाभ दे रही कि हान, ये जानना बहुत ज़रूरी। नहीं जानोगे तो आज इस तांत्रिक के पास, परसों ये तांत्रिक, ये दरबार, वो दरबार, लोग बताएंगे कि आपके पड़ोसी ने करा दिया, आपकी जेठानी ने करा दिया, आपके चाचा ने करा दिया, आपके ताऊ ने करा दिया। आपके परिवार का जो एक प्रेम है वो अधिकतर तांत्रिक तोड़ते हैं, झूठे ही बोल देंगे कि ये इन्होंने किया, तुम्हारी जेठानी ने किया, देवरानी, जो प्रेम था उसका सत्यानाश कर देंगे। तो ऐसे जब तक आँख से ना देख लो, समझ ना लो, तब तक किसी के ऊपर दोष लगाना महापाप होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि आप अपने घर के बारे में कैसे देखें। प्यारे दर्शकों, आपको किसी मंगलवार को चार छोटे छोटे टुकड़े लाना है कपड़े के, काला कपड़ा छोटा छोटा, और हर टुकड़े में आपको एक बेसन का लड्डू रखकर उसमें एक तुलसी और बेसन के लड्डू में एक लौंग लगाकर गांठ मार देना है। सम्मुख रखकर आप, ध्यान रखना ये कोई बताएगा नहीं, तंत्र है, सम्मुख रखकर आप बजरंग बाण का एक पाठ करेंगे, ध्यान रखिए एक पाठ। उसके पश्चात उसी लड्डुओं पर आप हनुमान जी का जो 108 नाम है उसका जाप कर लेंगे। अब ये एक प्रतिक्रिया हुई, ध्यान से सुनते जाना। अब क्या करना है आपको, अपने उल्टे हाथ पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीता, श्री सीता राम, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अंजनी पवन, नीचे पुत्राय, सीधे हाथ पे। अब दोनों हाथ हो गया, किस चीज़ से लिखेंगे, लाल सिंदूर से लिख लेंगे या लाल पेन से लिख सकते हैं। लाल पेन से लिखेंगे तो थोड़ा इसके ऊपर कोई खुशबू लगा लेना। अब एक एक लड्डू उठा के कोई भी किसी हाथ में अपने घर के मुख आंगन में आप चार तरफ रखना, एक एक फुट पर स्क्वायर में, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये रखना है, और बीच में एक पंचमुखी घी का दीपक जलाकर रात को छोड़ देना है। सुबह आप देखेंगे कि अगर वो पोटलियाँ चारों वहाँ पर हैं तो समझ जाना आपके घर में कोई दोष नहीं है। एक पोटली गायब तो आपके यहाँ तंत्र प्रयोग है, दो पोटली गायब तो आपके यहाँ वास्तु दोष है, तीन पोटली गायब तो आपके यहाँ पितरों का प्रेत जो कि अपने साथ बाहर से भी लेके आया है वो दोष है, चारों गायब हैं तो वो घर नहीं शमशान समान होता, तत्काल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और इनमें से जैसे एक गायब हुई बाकी तीन बची, तीनों में से कोई एक देखना फट गई हैं या जल गई हैं तो समझ जाना कि लगातार आपके ऊपर घात किया जा रहा है, ठीक है, ये पहचान है। अब इनमें से कोई भी चीज़ जो आपको नुकसान करे, ऐसे लक्षण मिले, तत्काल में कोई इलाज नहीं, आप हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, एक पानी वाला नारियल लेना, उसमें लोहे का छोटा सा त्रिशूल लगा के कलावे से बांध देना, और बजरंग बली के किसी मंदिर में जाकर आप 21 उल्टी परिक्रमा लगा के सीधे वो नारियल ला के घर में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ लाल कपड़े में बांध कर तब आप पानी पीना, आपका ये घर सुरक्षित रहेगा, लाभ देगा, बच्चे प्रसन्न रहेंगे, सभी लोग सुखी रहेंगे। प्यारे दर्शकों, हमारे ईश्वर, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में बहुत ताकत है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग, जैसे कि अभी एक
उनका पूरा डिटेल्स मेरे पास है, हमारे पास 3 महीने पहले आए थे, उनकी मैडम को कुछ प्रॉब्लम थी, जौनपुर साइड के हैं, ब्राह्मण हैं, और इस कलयुग में ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण श्रापित हो चुके हैं, जो बुद्धि से जा रहे हैं, कर्म से जा रहे हैं, संस्कार से जा रहे हैं, इसीलिए गली गली वो गरियाए जा रहे हैं और अपमानित किए जा रहे हैं। वो 4 महीने उनकी पत्नी ठीक थी, सारा कुछ था, उन्होंने खुद लिखा कि गुरुजी आपकी कृपा सब कुछ सही है। 4 महीने बाद वो फिर लिखते हैं, गुरुजी हमारा पड़ोसी फिर तंत्र कर दिया है, और अब की हनुमान जी जो सुरक्षा पे थे उनको ले जाकर अजमेर में बंधवा दिया है, अब मुसलमान के देवते उनको, हनुमान जी को पीट रहे हैं। हमने कहा कैसा मूर्ख आदमी है, ये तो साइको पेशेंट हो गया है। हमने कहा ऐसी बात नहीं, तुम मूर्ख अधराज हो, किसकी औकात इस ब्रह्मांड में, हनुमान जी स्वयं शिव हैं जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, उनको भला ये कौन रोक सकता है, किसी की बस की बात नहीं, ये अजार मजार कोई भी हो, बुरा मत मानना अगर हमारे मुस्लिम भाई भी देख रहे हों, क्योंकि ऐसे ही लोग इधर उधर की कुर्बतियाँ फैला के आपस में विवाद करा देते हैं, लोचा करा देते हैं। हनुमान जी यही चीज़, कुछ लोग अगर देखिए सभी बोलते हैं कि एक शपथ थी गुरु साहब में, पंजाबी पंजाब के जो हमारे भाई हैं, एक शपथ थी, वाणी थी, अल्लाह अकबर नूर पयाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन चंगे, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया कोई रमाए। अगर मानो तो सभी जने के, ना मानो तो सब अलग हैं। मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, मैं किसी धर्म की आलोचना विवेचना या टिप्पणी नहीं करता हूँ, और ना अपने पर मैं बर्दाश्त करता हूँ। सभी लोग सुखी रहें, सभी अपने हैं, भारत के जितने भी सभी जाति धर्म के अपने हैं, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न हैं, मस्त रहें, यही कामना। फिर वो मूर्खा अधराज हमको फ़ोन करता है कि मैं आपके यहाँ गाड़ी से आया। भाई हमारे यहाँ लोग फ्लाइट से भी आते हैं, हम बोलते हैं फ्लाइट से आओ, अपना हेलीकॉप्टर बुक करा के आओ, इससे अपने से क्या मतलब। तो आज मैंने देखा एक दो कमेंट में उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लिखी, तो हम उनके जो पड़ोसी हैं जिनके ऊपर वो तंत्र बोल रहे हैं कि इन्होंने कराया है, तो मैंने उनको भी, उनका सब व्यवस्था मेरे पास, उनको भी हमने संदेश दे दिया, बुलवाया है, और इनके लिए भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो हमारे हनुमान जी के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं, हमारे देवताओं पर गलत टिप्पणी करते हैं, उनको संज्ञान में लेकर उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का हमारा संत समाज करेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।